आपकी मोबाइल हाइजीन, साइबर हाइजीन बहुत खराब है। आप किस लिंक में मैलवेयर या स्पाइवेयर इंसर्ट कर रहे हो, जो कि कुछ नहीं करता है, सिर्फ एसएमएस स्पाय करता है, तो वो पता चलता है, आपके सारे ओटीपी उठा लेता है। इन 10 सालों में साइबर अपराध को एक छोटे से कीड़ा कह लीजिए, कीड़े से मैंने उसको राक्षस बनते हुए देखा है। कोविड से पहले अगर किसी को क्राइम करने हैं तो वो बोलते थे मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में जाऊंगा, वहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है। और कोविड के बाद अभी बोलते हैं कि मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा, वहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है। ओके, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप इंटरनेट से हीरो भी बन सकते हो, जीरो भी बन सकते हो। अभी एक 11 साल के बच्चे ने अपने फादर को हैक करके 5 करोड़ की 10 करोड़ की फिरौती मांगी। सी सैम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटीरियल के केसेस पोस्ट कोविड बढ़े हैं। नमस्कार, गौरव बत्रा शो में आपका फिर से स्वागत है। रितेश भाटिया जी से बातें करने में मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया ही होगा। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। और जो लोग अपने आप को बता रहे हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी समझ आती है और जो मोबाइल और लैपटॉप और सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और वो समझ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ भी कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, उन सबको जानने के लिए वो एक एपिसोड है, बहुत बेहतरीन एपिसोड है। और आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आप इंस्टाग्राम पे हमारी छोटी छोटी जो बाइट्स आ रही हैं वो देख रहे हैं, कल साइड के चैनल पे, साइबर फ्रेट के चैनल पे और मेरे अपने चैनल पे, जहाँ पे हम बिहाइंड द सीन जो है आप तक लेके आ रहे हैं। तो लग रहा है मुझे कि आपको मज़ा आ रहा होगा। और इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे शख्स जिनका साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम है, स्कूलों में, कॉलेजेस में और आम लोगों में जा जा के वो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी तक 7.5 लाख स्टूडेंट्स को वो ट्रेन कर चुके हैं और उनकी वो कोशिश जारी है पिछले 10 सालों से, जहाँ पर वो हर बार नई नई तरह की इंटर्नशिप, एजुकेशन और प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। सो मैं आज अपने शो में बुलाना चाहूँगा रक्षित टंडन जी को और उनके साथ हम बात करेंगे कि जो भी हमने अभी फ्रॉड सुने हैं, राइट, वो फ्रॉड होने के बाद होता क्या है। अभी क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट के फ्रॉड हो रहे हैं, ये पैसा जब आ रहा है तो वो पैसा जा कहाँ पे रहा है, पैसे को हम वो निकाल क्यों नहीं पाते हैं, हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है तो हम वापस क्यों नहीं कर पा रहे हैं या वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं, कहाँ पे हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, कहाँ पे जो हैकर्स हैं या जो क्रिमिनल है वो ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, और इन सब के बारे में कैसे ये फ्रॉड होते हैं, कैसे ये फ्रॉड्स को अंजाम तक ले जाया जाता है और कैसे उनका पूरा एंड टू एंड एग्जीक्यूशन होता है, तो इसके बारे में सुनेंगे रक्षित टंडन जी से। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर रक्षित टंडन जी, आपका गौरव बत्रा शो में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में और साइबर शिक्षा में, जब मैं बात करता हूं और कहीं पे भी हम जब बात करते हैं, क्राइम्स की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है या साइबर से रिलेटेड कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, आपका नाम ना आए वैसा पॉसिबल नहीं है। और आप आई थिंक गुड़गांव पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस सबके साथ आप बहुत काम कर रहे हैं। तो जो ये हमारी मुहिम है गौरव बत्रा शो के दौरान, मैं अभी आम जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं और उनको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है। तो अभी पिछले 3 से 4 एपिसोड में हमने काफ़ी क्राइम्स के बारे में बात करी और मेरा जो आपसे बात करने का मकसद है वो जानना है कि ये जो फ्रॉड्स होते हैं आज के टाइम पे वो होते कैसे हैं, ओके, और होने के बाद उनका जो पैसा आ रहा है या जहाँ पे वो पैसा कहाँ जा रहा है, हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आज आपसे करनी है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आज के टाइम पे, अभी मैं बात करूं पिछले 3 से 4 महीने में, कौन से ऐसे केसेस हैं और कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं,
उसके बारे में थोड़ा बताइए। लोगों की जो सोशल मीडिया हैबिट्स है वो बहुत स्कैरी हो गई है। स्कैरी मतलब उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और हैकर इस बात का फायदा उठा रहा है द वर्ड इन्फ्लुएंस। ओके, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो एक जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है इस समय वो अपने पैसे को डबल करना, लालच जिसे कहते हैं, डबल करो, ट्रिपल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, वहां पे आपको 250-300 फेक उनके मेंबर्स होंगे जो एक एक सेकंड पे आपको दिखाएंगे कि देखो मेरे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। आपको छोटे टास्क देंगे, ₹1000 का देंगे, आपको 1500 वापस कर देंगे, एक्चुअली वापस कर देंगे, आप पे ₹500 आ जाएंगे। फिर आप 2000 दोगे, आप पे 3000 एक्चुअली आ जाएंगे। फिर आप 5000 दोगे, आप पे एक्चुअली 8000 आ जाएंगे। और फिर आपकी टास्क को बड़ा कर देंगे, वो कहेंगे 25000 कर दीजिए। अब वो ऐप पे तो दिखाएगा कि 50 हो गए, लेकिन विड्रॉ नहीं करने देगा, और शर्त ये रखेगा कि अगर नेक्स्ट टास्क नहीं करी तो ये पैसा भी चला जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन, और उसको इन्होंने नया इम्प्रोवाइज करके ट्रेडिंग एप्स में डाल दिया है। नाउ दे हैव यूज्ड सम बिग नेम्स, जो शेयर मार्केट के बड़े नाम है, उनके नाम से फेक एप्स बना लिए, फेक ग्रुप्स बना लिए, और लोगों को कहते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री में। और उस ट्रेनिंग के अंदर वो लेयर करके अपने ग्रुप पे लाते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उनको शुरू में ग्रोथ देते हैं और उसके बाद गायब। क्रिप्टो करेंसी ये शुरू किया, प्लस आजकल ये लोग डेटा वेपनाइजेशन कर रहे हैं, जो हमारे आपने सुने रैंसमवेयर अटैक्स हुए, डेटा ब्रीचेस हुए प्राइवेट कंपनीज के, ई टेलर्स के, हॉस्पिटल्स के, इनके पास ये डेटा पहुंच गया है। और अब ये उस हैकर्स उस डेटा से वेपनाइजेशन कैसे कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करते हैं किसी एजेंसी के नाम से, ईडी, सीबीआई, आपको पूरा आपको बताते हैं आपका कोई कोरियर आया, उसमें कुछ गड़बड़ निकला है, फिर आपको वो सरकारी दस्तावेज बना के भेजते हैं। अब तो आजकल जेनरेटिव एआई का जमाना है, कुछ भी बना सकते हैं। अभी विराट कोहली जी का एक वीडियो देखा गया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 500 भारतीय रुपए लगा के 8000 भारतीय रुपए कमाए शेयर मार्केट, शेयर को गेम के थ्रू। प्रियंका जी का देखा गया कि मैंने एक अपनी फ्रेंड के साथ टेलीग्राम ज्वाइन किया और 10000 के 3 लाख रुपए कर दिए। सो दे आर यूजिंग दीज फेक एआई डीप फेक्स, और ये उन लोग को इतना डर पैदा कर देते हैं, एंड देन दे बिकम विक्टिम। अभी एक आईटी कंपनी के सीईओ थे बैंगलोर में, उनके साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसे एक प्रोफेसर थे उनके साथ हुआ। तो ये जो एमओ है वो एमओ यही है कि उनपे आपका डेटा है, आपकी मोबाइल हाइजीन, साइबर हाइजीन बहुत खराब है। आप अपने फोन में कौन सा ऐप डाल रहे हो, कौन सी एपीके फाइल बिना सोचे समझे इंस्टॉल कर रहे हो, आप किस लिंक में मैलवेयर या स्पाईवेयर इंसर्ट कर रहे हो, जो कि कुछ नहीं करता है, सिर्फ एसएमएस स्पाई करता है। तो इट इज एन एसएमएस स्पाई, तो वो पता चलता है आपके सारे ओटीपीज उठा लेता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दे आर नाउ इनटू। और मैं वो जो जामताड़ा से कहानी शुरू हुई थी ना, फोन करके बेवकूफ बनाने वाली, मैं उसको मैच्योर होते हुए देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने इन 10 सालों में साइबर अपराध को एक छोटे से कीड़ा कह लीजिए, कीड़े से मैंने उसको राक्षस बनते हुए देखा है। ओके, तो मतलब कीड़े से राक्षस, आज के टाइम पे बहुत ही अच्छे वर्ड बोले आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं ये क्राइम क्या है। अभी मैं भी जब बात करता हूँ कि एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की भी बात कर रहे हैं, तो पहले जब आईटी होता था, इकोसिस्टम होता था, उसको हम सपोर्ट बोलते थे कि वो एक आपका जो कोर बिजनेस है उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी क्या हो गया है कि जो आपका बिजनेस है वो आईटी पे खड़ा है। आप अभी या तो एक तरफ की कंपनियां हैं जो आईटी की वजह से बनी हुई हैं, और दूसरी है जो आईटी की वजह से ग्रोथ कर रही है, और ये आई थिंक हैकर्स को पता है। और अब आप चाहे ना चाहे आपको वो सब यूज करना है आपके मोबाइल में, मतलब अब अगर आपको उबर करना है, आपको नेटफ्लिक्स करना है, या आपको वीडियो देखने तो प्राइम पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, आपको ऑनलाइन लर्निंग करनी है। और कोविड की वजह से भी आई थिंक जो बच्चे थे, हम जिनको बोलते थे कि आप मोबाइल मत देखो, हमने खुद उनको मोबाइल दे दिए, उसका क्या फर्क पड़ा है? मतलब आप, क्योंकि मैं कहीं पे एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि कोविड से पहले अगर किसी को क्राइम करने हैं तो वो बोलते थे मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में जाऊंगा, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा है, और कोविड के बाद अभी बोलते हैं कि मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा है। तो इसमें आपका क्या राय आ रहा है? सब मैं वर्ड यूज भी करता हूँ, जो मेरे को कई स्कूल से बुलाया जाता है, डिजिटल डाइट। ओके, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप इंटरनेट से हीरो भी बन सकते हो, जीरो भी बन सकते हो। अभी ये 11 साल के बच्चे ने अपने फादर को हैक करके 5 करोड़ की, 10 करोड़ की फिरौती मांगी। अच्छा, बच्चे ने अपने फादर, अरे बाप रे। एक अभी एक हैकर ने एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर का फोन कॉम्प्रोमाइज करके उनसे फिरौती मांगी, एंड ही वाज 17 इयर्स ओल्ड। और यहीं पे मेरे पास एक उदाहरण है, जहां मेरी 20 साल की बच्ची ने सेल्फ लर्न करके एक प्रॉपर गाइडेंस से साइबर सिक्योरिटी सीखा, और उसको 22 लाख रुपए का इनाम दिया माइक्रोसॉफ्ट ने बग ढूंढने के लिए। अरे, सो आई हैव सीन स्टार्स। नाउ द ओनली थिंग इज, इन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती है, कंटेंट थोड़ा सा तो खराब हुआ है, और इतना खराब हुआ है कि वो डिसिप्लिन में नहीं आ रहा है। बच्चे गेम एडिक्ट हो रहे हैं, गेम्स के थ्रू बेटिंग में जाना, फंस जाना,
फिर ब्लू व्हेल जैसे गेमों का यूज करना, सी सैम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल के केसेस पोस्ट कोविड बढ़े हैं, और हमारी सीबीआई ने तो कई रैकेट्स बस्ट किए इंडिया में जहां उन्होंने जगह जगह रेड्स मार के इन पेडलर्स को पकड़ा है जो बच्चों की गलत तस्वीरों का शोषण करते हैं। तो ये सब का बढ़ता हुआ देख, यस साइबर हाइजीन, नेटिकेट्स और डिजिटल डाइट का बैलेंस होना और स्कूलों में करिकुलम का हिस्सा बनना अब बहुत जरूरी है। बच्चों को ये समझाया जाए कि गेम खेलना बुरा नहीं है, लेकिन गेम एडिक्ट होना, WHO कहता है कि गेमिंग डिसऑर्डर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द ICD-11, दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो मुझे वो एक्सट्रीम नहीं चाहिए। फ्लोरिडा जैसी कंट्री ने माइनर्स के लिए सोशल मीडिया बैन करने का रूल पास कर दिया है जो जनवरी 2025 से लागू हो रहा है। सो दे हैव बैन्ड सोशल मीडिया, कुछ सोचा होगा तभी तो ना। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन, गलत लोगों से संगत में पड़ना, गलत कंटेंट का सेवन करना, ये है रीजंस जो इस तरह के बच्चों में हम देख रहे हैं। अभी आपने सुना कि कुछ लास्ट ईयर की बात थी कि कुछ स्कूल्स पे मेल्स आई, थ्रेटनिंग मेल्स, बॉम्ब मेल्स, और जब उनको स्कैन किया गया तो पता चला इट वॉज अ प्रैंक डन बाय स्टूडेंट जस्ट टू डेफर द एग्जामिनेशन। दे डोंट रियलाइज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लीगल एंड इलीगल। इन लोगों को IT एक्ट नहीं पढ़ाया गया। IT एक्ट में साफ लिखा है हैकिंग 3 साल की जेल, पर्सोनेशन इम्पर्सोनेशन 3 साल की जेल, प्राइवेट तस्वीर का आदान प्रदान 3 साल की जेल, ऑब्सीन कॉन्टेंट 3 साल की जेल। द पॉइंट इज कि दिस लॉज हैव नेवर बीन टॉट टू देम। उन्हें तो बस एक खिलौना दे दिया गया, 4G दे दिया गया और इंटरनेट उनके हाथ में है। और वही आप जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेट से वो क्या देख रहे हैं वही सीखते हैं। और बच्चों को क्या है, ये जो क्राइम की दुनिया है आज मैं बात करूं तो बहुत इजी हो गई है। छोटे छोटे आप गूगल करिए, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनसे लगता है कि हम इससे दूसरों को हैक कर रहे हैं, वो खुद हैक हो जाते हैं। तो अभी मैं इसमें दो कैटेगरी की बात करूंगा। एक आपने पहले बताया जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम बोलते हैं कि जो एक पूरा मैप करके प्लान करके, और दूसरे हैं जो गूगल से थोड़ा पढ़ते हैं वो बोलते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, राइट। वो दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स और जो नए बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो हम पहले कैटेगरी में आते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वाले हैं, वहाँ पे हमें क्या चैलेंज आते हैं? जैसे अगर हमने बात किया कि वो क्रिप्टो करेंसी पे माइनिंग कर रहे हैं या सोशल टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो पैसा लेके जा रहे हैं स्टॉक मार्केट वाला, नंबर एक तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ डिजिटल बूम आया भारत में और पैन कार्ड बहुत सालों पहले तैयार किया भारत सरकार ने, फिर हमारा एक एम्बिशियस प्रोडक्ट आया UPI जो आज बहुत सक्सेसफुल है और मैं खुद उसको एडवोकेट करता हूँ बिकॉज इट इज़ मोर सेफ, फास्ट एंड सिक्योर। बट लोगों की जो साइबर हाइजीन और डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। उनको मोबाइल इकोसिस्टम के बारे में पता नहीं था, उनको ये नहीं पता था मोबाइल में कमांड्स भी होते हैं, USSD कोड्स होते हैं, एक APK फाइल इंस्टॉल करने से आपके पूरे फ़ोन का रिमोट कंट्रोल किसी के पास चला जाता है। ये बेसिक हाइजीन नॉलेज नहीं थी जिसकी वजह से ये इतने मामले बढ़े। और इसमें इन्होंने क्या करा, बदमाशों ने मोल अकाउंट्स यूज़ करने शुरू किए। इन्होंने देखा कि डेटा तो अपार पड़ा हुआ है इधर उधर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका फोर्जिंग करके उन लोगों ने सिम्स इशू करे, बैंक अकाउंट्स तक खोल लिए, वॉलेट्स तक खोल लिए, यहाँ तक कि डिस्पोजेबल वॉलेट्स खोल लिए। और फिर चलो फिर भी एक इकोसिस्टम में पैसा गया तो भारत सरकार का ये जो 1930 था इसने बहुत लोगों की जानें बचाई, 1930 ने कई हैकर्स की कमर तोड़ी, उस पैसे को रोका। तो इन हैकर्स को समझ में आ गया कि साहब अब तो ये कंप्लेंट हो जाएगी, पैसा फ्रीज हो जाएगा और पीड़ित को वापस मिल जाएगा। तो इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ गए एंड दे इमीडिएटली स्टार्टेड साइफरिंग द मनी इनटू क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी से फिर अब ये हवाला के थ्रू कहाँ जाता है, किन हाथों में जाता है, वो अगेंस्ट द नेशन जाता है या फॉर द नेशन, नोबडी नोज। बट देन इट गोज इनटू अ इकोसिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एनोनिमस। अब ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोज हैं, वॉलेट्स हैं, किसके नाम से है, किसकी KYC है, कुछ नहीं पता है किसी को। और फिर वो उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो इन एक एक अकाउंट्स में जब हम लोग इस तरह के फ्रॉड्स को स्कैन भी करते हैं तो वी फाइंड अ लॉट ऑफ फुटप्रिंट्स विच आर सो मेनी, मतलब एक के बाद जंप कर जाता है पैसा। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज अभी जो आपने सुना होगा कि इन लोगों ने साइबर स्लेव्स बना लिए, हमारे बच्चों को नौकरी देने के बहाने कंबोडिया और ऐसे स्टेशंस को हब बना लिया। अभी भारत सरकार ने करीब 500 बच्चों को वहां से छुड़ाया है और इनके सब पास, और उनसे ये फ्रॉड करा रहे हैं। तो अब जब ये जो आपको मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, कॉल आता है FedEx का, वर्क फ्रॉम होम, इनके जब हम लोकेशंस ट्रैक करते हैं तो दे आर अक्रॉस द बॉर्डर, दे आर नॉट इन द कंट्री। तो नाउ दे आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, दैट मींस दे हैव कॉल सेंटर। वो जो लोन ऐप वाला था, दे वर ऑर्गेनाइज कॉल सेंटर। वो लोन ऐप के जरिए आपके फोन की फोटोज और कॉन्टैक्ट्स ले लिया करते थे और फिर आपके रिश्तेदारों को गंदे गंदे मैसेज देते थे जो लोगों पे मेंटल टॉर्चर देता था।
और देश में सतर्कता जब आई, जब देखा कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली इस केस में, तब जाके गूगल्स और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इन ऐप्स को हटवाया गया, ब्लैन किया गया और आरबीआई ने बहुत सख्त, लेकिन यहाँ पे ना लोगों की भी, मैं एक वर्ड यूज करूंगा गौरव जी, डीक्यू नॉट आईक्यू नाउ, आई थिंक पीपल नीड डीक्यू, डिजिटल कोशेंट। अब आप लोग आईक्यू मत बढ़ाओ बच्चों का, आईक्यू तो अब है क्या, मतलब मुझे दोस्त ऑनलाइन बनाने हैं, शादी के लिए ऑनलाइन जाना है, खाना मंगाना है तो ऑनलाइन मंगाना है, गेम खेलना है तो ऑनलाइन खेलना है, और व्यापार करना है तो ऑनलाइन करना है। तो आई थिंक वी शुड इम्प्रूव द डीक्यू ऑफ द पीपल, एंड दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू स्टॉप दीज राइजिंग साइबर क्राइम्स, दैट इज द ओनली आंसर। ओके, तो अभी यही सेम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वालों का ये तो समझ आएगी, पैसा जो है वो बंट रहा है, लोगों को मिसयूज किया जा रहा है, या क्रिप्टो या हवाला के थ्रू वो जगह पे स्प्रेड हो रहा है और फास्ट हो रहा है, ताकि जिससे पहले कि बैंक या पुलिस वहां पे पहुंचे। पर हमारा जो अभी इकोसिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे या तो अभी आई थिंक पैन के रिलेटेड भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम जो बात कर रहे थे, देन बैंक्स इसमें केवाईसी में इन्वॉल्व है, और जो सिम इशू कर रहे हैं टेलीकॉम वाले इन्वॉल्व हैं, तो मतलब हमारे पास बहुत सारी रेगुलेशन बॉडीज भी हैं, राइट? हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं और हमें क्या ठीक करने की जरूरत है, अगर मैं अपने कंट्री लेवल पे बात करूँ तो? मैं अगर पिछले 10 साल में देखूँ तो बहुत चेंजेस आए हैं। पहले तो वाकई कोई सिस्टम नहीं था हम लोगों के पास। इस 10 ईयर्स के अंदर मैंने देखा, ये संचार साथी उदाहरण लेता हूँ मैं आपसे, अब हमने संचार साथी एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जहाँ आप ये तक देख सकते हैं घर बैठ के कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड इशूड हैं, और अगर वो गलत हैं तो आप फौरन हमें रिपोर्ट करें, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। हमने यूज़र के हाथ में पावर दे दी। आज आपने, आपके गौरव बत्रा शो के माध्यम से लोगों को पता चल गया कि भई ये फेडेक्स की कॉल जो है वो गलत होती है। तो मान लो कल आपके पास आ जाए तो आपको पता है यार इस नंबर से कॉल आ रहा है, आप फौरन संचार साथी खोलो, वहां पे हमने चक्षु नाम का एक ऑप्शन दिया है, चक्षु भारत सरकार की आंख बनो आप हमें वो फ्रॉड कॉल मैसेज जो भी आप पे लग रहा है कि दिस इज रॉन्ग, हमें फौरन रिपोर्ट करो। तो हमारा एक बैकहेंड में इकोसिस्टम है जो लाखों ऐसे नंबर्स, अकाउंट्स, यूपीआईज और आईएमआईज ब्लॉक कर रहा है। So now we are learning from the existing problems and we are bringing out solutions. हाँ, बैंकों को और मोबाइल कंपनीज को एक चीज जो मुझे लगता है अगर वो कर दें और भारत सरकार किसी तरह से इसे इम्प्लीमेंट करा दे, दैट इज स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर केवाईसी एंड फंक्शनिंग और एआई एंड साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल। तो जैसे रक्षित टंडन स्टेज इन नोएडा एंड रक्षित टंडन एआई पैटर्न ऑफ वन ईयर इज ही स्पेंडिंग 15,000 to 20,000 रुपीज पर मंथ थ्रू यूपीआई एंड नाउ सडनली ही इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम यूपीआई। सो दैट एआई शुड ट्रिगर एन अलर्ट, फ्रीज द मोमेंट, जनरेट एन ऑटो कॉल टू कंफर्म और ऑटो ओटीपी टू कंफर्म टू द यूजर एंड इट्स सब्सिडरी नंबर कि भाई तुम ये 1.5 लाख की पेमेंट तुम कर रहे हो क्या, और अगर जब तक मैं उसे कंफर्म नहीं करूं वो ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं होना चाहिए। तो क्या एआई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उदाहरण देता हूं आपको, मैं दुबई गया, दुबई में जाते ही मैंने वहां की एक सिम एक्टिवेट करी और अपने ही करंट फोन पे मैंने अपना एक सोशल मीडिया हैंडल खोला, उसने फौरन रोक दिया मुझे, बोला सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड, योर अकाउंट इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम यूएई, नाउ प्लीज वेरीफाई योरसेल्फ। तो मुझे 3 स्टेप्स के वेरिफिकेशन देने पड़े टू एंटर इनटू माय ओन अकाउंट। तो जब मेरा एक फ्री का सोशल मीडिया अकाउंट मुझे ये सुविधा दे सकता है तो क्या मेरा बैंक नहीं दे सकता? आज अगर मेरे बैंक्स के अंदर प्रोएक्टिव सिक्योरिटी जिसे कहते हैं कि आपके बस यूजर का पैटर्न है, आपको पता है रक्षित टंडन इज अ ट्रैवलर, ही गौरव जी इज अ ट्रैवलर, गौरव जी कल बॉम्बे में थे, फिर कन्याकुमारी थे, फिर कश्मीर थे, तो ही इज लुकिंग एट दैट पैटर्न। बट सडनली आपका अकाउंट आज 11 बजे खुला नोएडा से और 11:15 बजे वो खुल रहा है दुबई से या साउथ अफ्रीका से, इट शुड बी स्टॉप्ड। योर सिस्टम नोज दैट गौरव जी इज इन नोएडा, देयर कौन सा ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 15 मिनट में। तो आई थिंक इस तरह से हम बहुत सारे फ्रॉड्स को रोक सकते हैं। एक अभी जैसे केस आया है हमारे पास, वो महिला बहुत दुखी है, सी 65 years old, उसने ऑनलाइन शॉपिंग करी, प्रोडक्ट स्पॉइल्ड आया, उसको साइबर हाइजीन और नेटिकेट साइबर सेफ्टी नहीं पता था बेचारी को, उसने गूगल से एक नंबर ढूंढा ऑनलाइन सर्विस का, वो नंबर हैकर का निकला। हैकर्स भी तो आजकल वो करते हैं ना, ब्लैक हैट SEO, वो अपने आप को ऊपर कर देते हैं। महिला ने वो फोन मिलाया, उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उसने एक ऐप डाउनलोड करा के उनके 77,000 रुपए चुरा लिए। और वो महिला कह रही है कि भाई देखिए मैं एजेड हूँ, 65-66 की हूँ, और ये पैसा मैंने अपनी मेडिकल एड्स के लिए जमा किया हुआ था। सो दिस इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो अगर मेरे बैंक में प्रोएक्टिव सिस्टम होता तो वो देखता कि ये लेडी 100 रुपए का मदर डेयरी खरीदती है, कभी 100 रुपए की ब्रेड खरीदती है, आज 77,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर कर रही है भाई।
So I think these kind of frameworks can protect. And banks and mobile companies, they take a strong foot now. They put the foot down. कि बॉस एक साथ एक लोकेशन पे इतने सारे नंबर्स का चलना. Now that means it's a call center, it's a hub. KYC नहीं हुई है प्रॉपर, जो KYCs हैं उनको वैलिडेट नहीं किया गया है. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चीजें ठीक हो सकती हैं. और दूसरा, हम एक आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे थोड़ा कि अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे फ्रॉड में यूज होते हैं, पैन हो गया, आधार हो गया, उनके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए कि जो पैन के रिलेटेड KYC फ्रॉड्स हो रहे हैं वो आई थिंक बहुत सारे न्यूज में देखे हैं मैंने, तो कुछ केसेस आपने भी काम कर रहे थे उनके बारे में थोड़ा बताइए और कैसे बच सकते हैं लोग. एक बच्ची के पास नोटिस आया इनकम टैक्स का कि आपने 46 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए हैं. 46 करोड़ 46, और वो 20 साल का बच्चा है मध्य प्रदेश में. एक नोएडा की बच्ची है, वो 30-35 हज़ार रुपए की नौकरी करती है और अभी शुरू करा है काम करना, और 2019-20 में उसके खाते से 1 करोड़ रुपए के एक्सचेंज और क्रिप्टो एक्सचेंज हुए हैं जो कि उसने नहीं किए. सो आई वुड लाइक टू एडवाइज अपने व्यूअर्स को कि भाई आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं भारत देश के अंदर, पैन, आधार और आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आप कभी भी इनको अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरीज में मत रखिए, फ़ोटो खींच के या स्कैन करके. आप अपने क्लाउड में रखिए, गूगल ड्राइव में रखिए, आई क्लाउड में रखिए, या फिर भारत सरकार ने आपको बहुत सेफ एक ऐप दिया है डिजी लॉकर, और उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ दी है मास्क आधार. आपका आधार कार्ड उसमें पूरा नंबर नहीं दिखता है. आधार यू आर गिविंग एज अ एड्रेस प्रूफ, नॉट जस्ट टू प्रूव योर आधार नंबर. हाँ, बैंकों में इनकम टैक्स में जहां आधार नंबर लगता है तो वो आपकी डिजिटल KYC करते हैं प्रॉपर, तो वो इलीगल नहीं है. दूसरा, बायोमेट्रिक से फ्रॉड हो रहे थे तो हमने कहा आप आधार ऐप में जाइए और अपना बायोमेट्रिक लॉक करके रखिए, जब जरूरत हो उसे अनलॉक कर लीजिए. तीसरा, अब भारत सरकार ने नया कानून कर दिया है प्रेरित कि अब सिर्फ लाइव अंगूठे काम करेंगे, तो वो जो फ्रॉड्स कर रहे थे वो कमर तोड़ दी. तो व्हाट वी आर इम्प्रोवाइजिंग, बट प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स को जस्ट फॉर द नेक सेक ऑफ कन्वीनियंस किसी भी XYZ इकोसिस्टम में मत बांटिए कि भाई वो फोन आया, अरे आपका वो नया कनेक्शन लगाना था, अपने आधार और पैन की फोटो भेज दो. नहीं भेजो भाई फोटो, यू गो टू द जेन्युइन स्टोर, गिव योर जेन्युइन डॉक्यूमेंट फॉर अ KYC, एंड देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्स. आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आप पासपोर्ट दे सकते हो, कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज नहीं होगा इतनी आसानी से. और आप डिजी लॉकर में रखिए अपना सारा डेटा. पर अभी जो कर चुके हैं अभी बहुत सारे मोबाइल में जो है वो तो हमने डिलीट, चलो अभी हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं, पर बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं, जैसे आजकल डेटा कलेक्शन करने के लिए फिर भी आप मॉल में जाओ तो बोलते हैं कि ये डिटेल दे दीजिए, या फिर आप होटल में जा रहे हो, कल ही में गया तो वो आधार की कॉपी मांग रहे हैं, एड्रेस प्रूफ चाहिए तो आधार ही चाहिए और कुछ लेंगे ही नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है, दे कैन टेक इट, यू कैन गिव योर ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल. सी, अब फाइव स्टार होटल्स ने तो अब बहुत सारे होटल वाले बोलते हैं कि आप अच्छा व्हाट्सएप कर दीजिए कॉपी. सो दैट इज वेयर आई थिंक देयर इज अ लूपहोल. हमें वो सब नहीं, कन्वीनियंस के नाम पे अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज मत करें. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसी बात का कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी निकाली है कि आप किसी भी रिटेलर इज नॉट बाउंड टू कलेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट कंपल्सरी, वेदर यू आर एट अ कॉफी शॉप और एट अ मॉल, दे कैन नॉट टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल एट देयर काउंटर. इसकी एडवाइजरी है, सो इट्स ओके. मतलब थोड़ा सा देखिए, मैं प्राइवेसी के लेके बहुत सख्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग अभी से फॉलो करें, क्योंकि जो मैं आज देख रहा हूँ, सोचो अभी, चलो ये दो उदाहरण सुन लिए पैन कार्ड के, एक के पास 1 करोड़ का नोटिस, एक में 25 लाख का, ये आज 2024 में घटा हुआ है. अब जो मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो आज 12th कर रहे हैं, कॉलेज में जाएंगे, नौकरियां करेंगे, वो तो टोटली डिजिटल सिटीजन हैं. उन्होंने तो हाथ से अब कुछ करना ही नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. तो आप सोचो उनके साथ 10 साल बाद कहाँ ले जाएंगे हम फ्रॉड को. आज अगर एक महिला के पास फोन आ रहा है, अभी हुआ है ये केस दिल्ली में, उसी के कि हम पुलिस से बोल रहे हैं आपके बेटे को किसी अपराध में पकड़ा है, और पीछे से बेटे की आवाज़ आ रही है, दे आर यूजिंग AI टू क्लोन योर वॉइस, एंड उसको इतना फियरफुल कर दिया कि उससे 1.5 लाख रुपये ले लिए इन लोगों ने फ्रॉड से. अब यहाँ पे एक बेसिक DQ है कि पुलिस कभी भी फोन पे धमकी नहीं देती है. अगर आपने कोई अपराध किया है तो वो घर आके कहती है आओ चलो. तो यहाँ पे लोगों में वो एक क्यों, क्योंकि हमारी डिजिटल डाइट ने हमारी मेंटल इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर रखा है. सब हमें लगता है हर SMS ठीक है, आपके SMS आया है, आपकी KYC नहीं हुई है, आपका बैंक आज रात को बंद हो जाएगा, तो उन्हें लगता है बाकी हो जाएगा, आपकी आज बिजली रात को काट दी जाएगी, एंड दे आर फॉलिंग फॉर सच स्कैम्स, एंड दैट इज व्हाई द मनी इज गेटिंग ड्रेन्ड आउट. ओके, ये बहुत ही आई थिंक इंफॉर्मेशन है, यूजर्स को मजा आ रहा होगा ये सुनने के बाद. बट अगर अभी ये सब सुनने के बाद किसी को लगता है नहीं, मैं जाके सिस्टम को ठीक करूंगा, मुझे तैयार होना है और मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखनी है,
आप बहुत कर रहे हैं, आई थिंक एक साल में कम से कम 10-12 हज़ार बच्चों को तो आप साइबर शिक्षा ज्यादा ओके क्या काउंट रहेगा? 7.5 मिलियन आई हैव टच्ड नाउ, 7.5 मिलियन सिंस 2008 सर। अच्छा तो एवरेज में निकालो 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख हो गया अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 2008। अरे बाप रे, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब छोटा तो 10-12 हज़ार तो कुछ नंबर ही नहीं, मतलब महीने का एवरेज आप मान लो 50,000 आ रहा है। हां मतलब मेरा, मैंने वीकली नंबर को ईयरली बोल दिया, माफी चाहूंगा मैं, गलती हो गई। नहीं, आई एम पैशनेट फॉर इट। सो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 7 से 8 लाख बच्चे एक साल में, तो क्या बताते हैं आप उनको कि क्या सीखें वो, क्या करें? सो मैं ये कहता हूँ साइबर सिक्योरिटी इज अ सब्जेक्ट फॉर ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे से कोई ये सवाल पूछता है साहब मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ नॉन आईटी, तो मैं कहता हूँ इट इज फॉर ऑल। मैंने कहा आप क्या बन रहे हो? डॉक्टर। मैंने कहा हेल्थ केयर कैन वर्क विदाउट साइबर सिक्योरिटी? बोले नो। मैंने अभी रॉबर्ट एक हैक हो गया लेजर सर्जरी करते में, उसने पेशेंट को पंचर कर दिया, पेशेंट की डेथ हो गई। मैं इसे साइबर मर्डर कहता हूँ। अगर एक हैकर बाहर से उस रॉबर्ट को जो लेजर से कैंसर को मिटा रहा था अगर उसको हैक करके डिस्टॉर्ट कर दे तो ऑब्वियसली वो लेजर कहीं भी ऑर्गन को पंचर कर देगी। तो क्या साइबर सिक्योरिटी हॉस्पिटल को चाहिए? बोले हाँ साहब चाहिए। मैंने, आप टेक्निकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, आप गाड़ियां बना रहे हैं, आज हमारी सारी गाड़ियों में ADAS और ये सब लगा हुआ है, सब टेक्नोलॉजी। मेरे मोबाइल से आई कैन कंट्रोल माय कार राइट नाउ जो नीचे खड़ी है। अभी मैं निकला और मेरे मोबाइल ने अलर्ट दे दिया कि पहिए में हवा कम है, तो मैं वो ठीक कराता हुआ आ रहा हूँ। वरना हम लोग उतर के थोड़ी देखते धूप में कि पहिया फ्लैट है या नहीं है। तो आज सेंसर बेस्ड गाड़ियां हैं, तो क्या गाड़ियों में साइबर सिक्योरिटी चाहिए? बोले हाँ साहब चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं, अभी गाजियाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा कॉलेज ग्रुप है, उनके रैंसमवेयर हुआ और उनके 8 कॉलेजेस का डेटा क्रैश हो गया। उनके पास बहुत कम बैकअप था, अब वो बिल्कुल फिक्स्ड में कंडीशन में है और हैकर उनसे $1 मिलियन की फिरौती मांग रहा है। तो आप जवाब दीजिए, क्या एजुकेशन को साइबर सिक्योरिटी चाहिए? बोले हाँ सब चाहिए। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज दैट साइबर सिक्योरिटी इज फॉर ऑल। नाउ व्हेन यू वांट टू बी अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो हमारे वर्टिकल्स हैं। हमारे यहाँ एथिकल हैकिंग है, ऑफेंसिव हैकिंग है, हमारे यहाँ डिफेंसिव सिक्योरिटी है, हमारे पास सर्वर साइड सिक्योरिटी है, हमारे पास प्रोग्रामिंग डेवसेक ऑप्स को मैं प्रमोट करता हूँ। मैंने अब प्रोग्रामर की जरूरत ही नहीं है भाई, अब तो गूगल भी हटा रहा है, अब तो वो डेवन कौन है, वो आके सारा कोड बना के चला जाएगा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप साइबर सिक्योरिटी को अपना स्किल सेट बना सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग बाय अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबिलिटीज एंड हाउ टू पैच इट अप। थिंक लाइक अ हैकर बट डोंट बिकम अ ब्लैक हैकर, दैट इज व्हाट आई से। नेटवर्क का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ वो पूछते भी थे ना, मम्मा हम ज्योग्राफी हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? आज मुझे समझ में आता है कि मुझे तो इंजीनियर बनना था कंप्यूटर का। मैं सोचता था मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, जब व्हेन आई ट्रैवल दैट नॉलेज कम्स इन टू प्ले। व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आई नो द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ, आई नो, आई हैव स्टडीड ज्योग्राफी वहाँ का, कैसे वहाँ पे टेम्परेचर्स हैं, वहाँ के स्टोन्स कैसे हैं, तो दैट नॉलेज इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। तो सिमिलरली एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जिंदगी में नेटवर्क की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और कोडिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो एक नया वर्टिकल तैयार हो रहा है जो किसी के लिए भी हो सकता है, दैट इज फॉरेंसिक्स, एंड इट इज ह्यूज नाउ, राइट नाउ आई कॉल इट ह्यूज, क्योंकि सारे क्राइम्स ऑफ डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है। मर्डर हुआ है, अभी एक मर्डर केस हमने सॉल्व किया, वो डिजिटल फुटप्रिंट से किया। तो अब कोर्ट में हम क्या दिखाएंगे? डिजिटल एविडेंस। तो मुझे क्या चाहिए होगा कोर्ट में? साइबर लॉयर। और एविडेंस लाने तक का काम कौन करेगा? फॉरेंसिक्स। सो देर इज अ डर्थ फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और तभी भारत सरकार ने LLUs तैयार कर दिए, नेशनल फॉरेंसिक लैब्स और यूनिवर्सिटीज। तो साइबर फॉरेंसिक एक करियर है। हाँ, मैं इस पे बताना चाहूंगा मेरी ऑडियंस को कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा फॉरेंसिक पे आने वाला है, आप देखते रहिएगा। हाँ, और वो फॉरेंसिक दीपक जी के साथ, वो बहुत बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, अभी भी है। तो फॉरेंसिक हो गया, लॉ, साइबर लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन नाउ। और एक जो नई फील्ड अब लोगों में इमर्ज हो रही है मेंटल हेल्थ के इश्यूज को लेकर, दैट इज साइबर साइकोलॉजी। हाउ पीपल आर बिहेविंग एंड हाउ इट इज ऑल्टरिंग देयर मेंटल हेल्थ, या वो ऑब्सेसिव स्टॉकर्स बन रहे हैं, या जैसे अभी एक लेडी को गिरफ्तार किया है हमने पढ़ा, और एक आदमी को गिरफ्तार किया है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी ऑड सी हरकत करी। वो बैगेज बेल्ट पे लेट गए एयरपोर्ट के, एक भाई साहब ने पुलिस के बैरिकेड को दिल्ली में जला दिया और अपनी रील बना दी। एक लड़का पकड़ा है इंजीनियर, उसने तो गूगल से कोर्स तक किया हुआ है, गुंटूर से, उसने रश्मिका जो हीरोइन थी उनका डीप फेक बनाया था। हाँ। और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले अपने फॉलोअर्स बूस्ट करने थे मुझे। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का फॉलोअर्स की हंगर और ये वो, उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़े हो रही है। हाँ, मेरा एक 21 साल का बच्चा मर गया, वो ऊपर उल्टा टंग रहा था फ्लैग पोस्ट पे रील बनाने के लिए, वो पोस्ट नीचे आ गया, मेरा बच्चा इज नो मोर। बाप रे।
ऑनलाइन बेटिंग, ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, ये भी एक, तो इसमें साइबर साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा करियर है जो मेरे बीए साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर इट. सो देयर इज सो मेनी वर्टिकल्स, बट यस आई वुड सजेस्ट टू ऑल माय स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू मेक वन बेसिक 6 months कोर्स कंपलसरी फॉर एवरीवन. So you are a doctor, you don't want to be a cybersecurity professional, but the moment you will enter today's hospital, right from the admission of the patient to the machinery and equipment in the OT is all computerized. Uske VAPTs hue hain, uske hardware software patches hue hain. Choti si cyber hygiene hai sahab, Gaurav ji, aap Google kariyega to dekhenge. Mera Bharat Sarkar jo hai, saal mein, mahine mein sorry, 6 or 8 warnings issue karta hai. 8. Kaun karta hai? Certain. Aur kya kehta hai? High security warning for Apple users, iPad users, MacBook users, iWatch users, Android users, Samsung users, Chrome users. कितनी? 8 to 10 advisories एक महीने में. मैं आपको 100 में से 90 फोन अभी दिखा दूंगा, मेरे साथ सर्वे पे चलो, जिनके अपडेट पे लाल बिजली जल रही होगी, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया है. उनकी मानसिकता क्या, कर लेंगे अपडेट करने से फोन स्लो हो जाता है, जैसे पहले जमाने में कहती थी ना कि वो बिल्ली रास्ता काट गई वहां से मत जाना. तो हमने ऐसे र्यूमर्स बहुत बना दिए हैं साहब कि फोन स्लो हो जाएगा और डेटा खत्म हो जाएगा. एंड पीपल आर नॉट, एंड दिस इज अ बेसिक साइबर हाइजीन. मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ घर से जा रहे हैं शादी में, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, बंद करके देखा दरवाजे का लॉक खराब है, विल यू लीव योर हाउस? नो. सो हाउ कैन आई लीव माय फोन अनपैच्ड From these flaws, ये जो दरवाजे खुले हुए हैं, इन्हीं से तो हैकर घुस रहा है, APKs आ रही हैं, SMS चोरी हो रहे हैं. तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए बहुत आवश्यक है आज, कि ये वाला जो फंडामेंटल है साइबर सिक्योरिटी का, नेटवर्क फंडामेंटल. अब जैसे चलो घरों में अभी दिखाता हूँ, वॉर ड्राइविंग करके आते हैं, 100 में से 10-15 वाईफाई होंगे जिनका पासवर्ड 1, 2, 3, 4, 5 है. और कईयों के तो ऐसे आजकल वो मैंडेटरी हो गया है, नए राउटर में नहीं तो पुराने राउटर में तो चल ही रहा है. और अब तो नए नए चैलेंजेस हैं, घरों में स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, कमरे में एलेक्सा लगी हुई है. सो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी इज फॉर ऑल नाउ. आई नेवर गिव इट क्लासेस, एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग सो मच ऑफ रिस्पॉन्स. एंड हम लोग एक इनिशिएटिव करते आ रहे हैं, आज 11 साल हो गए करते हुए, वी कॉल इट साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप. और उसमें आप जैसे प्रोफेशनल्स हमेशा हमें सपोर्ट करते आए हैं, वी हैव अ टीम ऑफ सम हीरोज ऑफ द कंट्री जो हमें आके सपोर्ट करते हैं, और उसके माध्यम से हम 100-500 हज़ार बच्चों को 1 महीने समर वेकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करते हैं. हम बच्चे से कुछ नहीं लेते हैं, एंड दिस इज अंडर द बैनर ऑफ गुरुग्राम पुलिस. हरियाणा पुलिस हैज टेकन दिस फ्लैग. उनको 2 बार स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है इस इनिशिएटिव के. ओके, amazing. हां, तो आपका तो करंट इस पे बैच चल ही रहा है. सो वी हैव 2 batches दिस ईयर. फर्स्ट टाइम हम ऐसा कर रहे हैं, वी हैव ग्रेडेड इनटू 2 types, साइबर वॉरियर्स व्हिच इज ऑल दीस ग्रेड्स, अंडरग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स, मास्टर्स स्टूडेंट्स, एंड इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स. एंड द सेकंड बैच इज ऑफ साइबर एंबेसडर्स, वी आर कॉलिंग देम स्कूल स्टूडेंट्स, दे आर ग्रेड 9 टू 12 फ्रॉम एनी स्कूल इन द कंट्री. तो ये इस बार हमने स्पेशल डिमांड पे किया, क्योंकि हर साल हम सिर्फ बच्चों को बहुत कम लेते थे स्कूल के, लेकिन मैं अब जो देख रहा हूँ, एज यू नो माई प्रोफाइल, आई कीप ट्रैवलिंग टू डिफरेंट स्कूल्स, आई एम सीइंग सम ब्रिलियंट ब्रेन्स. मतलब वही है ना, डिजिटल डाइट अच्छी है उनकी, दे आर पिकिंग अप गुड कंटेंट फ्रॉम आपके जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जो पॉडकास्ट होते हैं, हमारे होते हैं, और कई लोगों के जो इंटेलिजेंट कंटेंट दे रहे हैं. तो मैं देख रहा हूँ बच्चों की ग्रास्पिंग पावर. आई वॉज इन अ स्कूल अभी कल देहरादून में, एंड अ 7th grader आस्क्ड मी सच अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट वल्नरेबिलिटीज, पैचेस, सीरीज, एंड आई वॉज सो, एंड ही सेड यस आई हैव स्टडीड ऑल दिस, एंड हाउ, बुलेट थ्रू इंटरनेट. तो मैं बच्चों को यही एग्जाम्पल देता हूँ कि यार इंटरनेट से ना हीरो बनो, जीरो मत बनो, कंज्यूम गुड कंटेंट. ये मोए मोए टमटम तो होता रहेगा. हाँ, बड़ी दिक्कत है साहब, बच्चे मीम्स बना देते हैं, टीचर तक को नहीं छोड़ते. आपने इसमें साइकोलॉजी वाला टॉपिक बहुत सही उठाया था. बिल्कुल, बच्चों का क्या होता है ना, वो देख रहे हैं आसपास कि अरे वो भी बना रहा है, वो बना रहा है. और आजकल मतलब जैसे मेरी भी बेटी है 11 साल की है, वो बोलती है पापा मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आपके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं. मैंने कहा बेटा वो जरूरी नहीं है, अभी आपका टाइम क्या है, चल रहा है क्या फॉलोअर, बट अभी उसकी फ्रेंड है स्कूल में, उनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, स्नैपचैट कॉम्प्लेक्सेस आते हैं बच्चों. हाँ, तो अभी मुझे थोड़ा पता है, तो मैं उसको थोड़ा काउंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट कुछ बच्चे हैं जो घर पे मम्मी पापा से बात भी नहीं करते हैं, पर स्कूल में जाने से घबरा रहे हैं आज के टाइम पे बच्चे की, अरे मेरे फॉलोअर्स नहीं है.
दिस इज सैड, दैट इज व्हाई मैंने पोस्ट डाला, कमेंट्स नहीं आए. आई ऑलवेज क्रिएट अ डेटरेंट इन चिल्ड्रन कि देखो बच्चों तुम्हारे को इस पे एडिक्शन नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे, ये फोटोज और सेल्फीज और फ्रेंडशिप्स. मतलब आप सोचो, मैं बताऊं आपको गौरव भाई, बड़ा दर्द होता है जब इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि अ यंग चाइल्ड मेड अ फ्रेंड ऑनलाइन, शेयर्ड सम इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स एंड नाउ दैट पर्सन इज ब्लैकमेलिंग दैट बच्चा एंड द बच्चा हैज नो गट्स टू गो एंड टेल इट टू द पेरेंट्स. And imagine the psychology of that child who is in a fear, in constant fear. और कभी कभी ये लोग इतने गलत काम कर देते हैं कि अपने घर से कैश और ज्वेलरी चोरी करके देते हैं उस ब्लैकमेलर को. वो लोग है कौन? They are all predators सोशल मीडिया पे. तो मुझे बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आप किस से फ्रेंडशिप कर रहे हो, उसकी लाइन्स क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है. और आपको सोशल मीडिया पे, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है बॉस, आज आपने ये फोटो भेज दी, इट इज़ फॉर एवर. और अब तो ये नया AI आ गया है, वो तो किसी की भी फोटो के साथ कुछ भी कर सकता है. So, cyber resilience पैदा करो अपने अंदर. There's another subject which I talk about. So, yes, this internship is going on and we're 2 batches this year and we have a huge number this year. We have taken some external support to increase our infrastructure. We have all the best faculties coming in, people like you, Ritesh, D3s, Dinesh sir, Santosh sir, so many experts who are there who have given contribution to cyber security. They always come as mentors. They are my mentors and they come. And plus, मेरा फुल टाइम एंगेजमेंट बच्चों के साथ रहता है. और सबसे ज्यादा इस बार हमारी जो पुलिस फोर्स है, हमारे जो करेंट ACP साहब हैं, ही इज प्रियांशु सर, ही इज सो, ही इज एन IIT पास आउट एंड ही इज हैज अ पर्सनल विजन टू मेक गुरुग्राम सिटी अ साइबर सुरक्षित सिटी. एंड विद दिस मिशन ही इज पर्सनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन स्पाइट ऑफ हिज गुड वर्क ही इज डूइंग इन साइबर पुलिस स्टेशन. इतने हम लोगों ने केसेस पकड़े, बट दिस पर्सनली इनिशिएटिव इज दिस पर्सनल इनिशिएटिव. सो दैट पुलिस एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप इज वंडरफुल. सही है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके रक्षित जी. मेरे अभी थोड़ा टाइम है तो एक दो क्वेश्चन छोटे से और बिफोर, उससे पहले मैं जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मिस कर दिया है ये वाला इंटर्नशिप का, अगर वो अभी फॉलो करना चाहें और चाहें कि नेक्स्ट ईयर में वो मिस ना करें, तो कैसे वो अपडेटेड रह सकते हैं? तो माय हैंडल इज देयर, rakshit.tandon ऑन इंस्टाग्राम एंड माय ट्विटर हैंडल इज टंडन रक्षित, बोथ आर वेरीफाइड. गुरुग्राम पुलिस, दे आर बोथ वेरीफाइड हैंडल्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर एंड ऑन फेसबुक. तो हम लोग अप्रैल के आसपास उसको अनाउंस कर देते हैं विद 2 फॉर्म लिंक्स. यू कैन फिल अप द फॉर्म्स एंड देन यू हियर फ्रॉम अस. तो वहां से आप तैयारी शुरू करिए सरकार, अगले अप्रैल में आइए तो हम भी कोशिश करेंगे अगले साल साइबर थ्रेट आपके साथ एसोसिएट हो. इस मुहिम में पूरी कोशिश करेंगे हम. और मेरा है कि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, AI की बात कर रहे थे हम, कि उससे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं. जो आज के बच्चे हैं वो इन सब टेक्नोलॉजीज को यूज कैसे कर सकते हैं अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, और क्या लर्निंग ले सकते हैं? मतलब आजकल बहुत कुछ हो गया है AI में. AI में बहुत कुछ हो रहा है, जनरेटिव AI ने बहुत लीप ले लिया है. बट मैं बच्चों को यही कहूंगा कि देखो अपनी जो इंटेलिजेंस है ना, रियल इंटेलिजेंस पे फोकस करो आर्टिफिशियल की बजाय. उसके AI के उन टूल्स को उठाओ जो आपके काम को बेटर कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी को बेटर कर सकते हैं, आपके आउटपुट को बेटर कर सकते हैं. उन प्लेटफॉर्म्स में AI को यूज करो. बट ये जो चीट वाले AIs हैं जिनसे आप कंटेंट कट पेस्ट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो विदाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर नॉलेज. तो वहां पर आपको एक उससे दूर रहना है, ऐसे टूल से दूर रहना है. बाकी हाँ, AI मतलब अब AI से हम लोग मशीन लर्निंग पे मैं फोकस करूँगा कि बच्चे अभी से सीखना शुरू कर दें. क्योंकि मैं अभी एक कुछ पढ़ रहा था जिसमें मैंने पढ़ा कि टॉप 3 स्किल्स में साइबर सिक्योरिटी, AI और ML आने वाला है फ्यूचर में. और तीनों का कॉम्बिनेशन तो आग लगाने वाला है. तो आई थिंक यू शुड पिक अप द बेस्ट ऑफ AI फॉर yourself rather than just focusing on the upcoming tools. It is very new now. This technology is very new. और जो भी हुआ है पिछले 2-3 साल में, और ये जो ChatGPT के आने के बाद जो बॉम्ब सब हटा है AI ने, तो बच्चों होमवर्क मत चीट करो ChatGPT से, अपनी पढ़ाई लिखाई को इग्नोर मत करो, अपने ह्यूमन इंटेलेक्ट को मत खराब करो. लेकिन हाँ, AI के जो बेस्ट टूल्स हैं उनका बेस्ट यूज करो, अपनी एफिशेंसी को बढ़ाओ, कोड को बेटर करो अपने, और मशीन लर्निंग पर फोकस करो, और ऐसे टूल्स बनाओ जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे हों. अब मैं आज एक टूल बना दूं जिससे मैं गौरव की फोटो लगा के गौरव की आवाज़ में वीडियो बना सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज होगा, इसका उल्टा मिसयूज ही होगा. पता चलेगा मैं कल को एक नकली वीडियो बना के गौरव जी का. तो आई वॉन्ट यू टू क्रिएट AI विच इज गुड फॉर द ह्यूमन रेस इन फ्यूचर. अब जैसे मैं देख रहा हूँ AI का यूज फ्रॉड्स में, मुझे लगता है हम आज हम पे इतने सैम्पल्स हैं,
आज हम पे इतना डेटा है, अगर हम मशीन लर्निंग से अपने आप, जो हमने किया भी है, मैंने एक छोटा सा अपने लिए प्रोडक्ट भी डेवलप किया है जिसको अभी हम पॉलिश कर रहे हैं, वो AI बेस्ड एक टूल है जो ये रैनसमवेयर, मैलवेयर, अटैक्स, फिशिंग, मैन इन द मिडिल, डेटा ब्रीचेस को दरवाजे पे ही रोक देता है, वो अंदर घुसने नहीं देता। उसे इससे मतलब नहीं है कि मेरे यूजर को ठीक से चलाना आता भी है या नहीं चलाना आता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम करो, हमारा बहुत बड़ा देश है। आप फेशियल रिकग्निशन एक बहुत अच्छा टूल है AI से। आज मेरे पास एक सस्पेक्ट है जिसकी फोटो आई है इंटेलिजेंसी की, दिस पर्सन इज अ टेररिस्ट एंड ही कैन बी हार्मफुल टू द कंट्री। आज मेरे पास पूरे डेली NCR में मान लो 10,000 कैमरे लगे हुए हैं जिनके रियल टाइम फीड्स आ रहे हैं। मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड करूं क्रॉलर टाइप का जो उन फीड्स में उस फेस को मिली सेकेंड्स में मैच कर सके और अलार्म जनरेट कर दे कि हाँ साहब ये तो नोएडा 82 में फेस देखा गया, कहाँ पे बोले नोएडा 82 क्रॉसिंग के ऊपर जो रेड लाइट है वहां पे ये फेस है। सो इट विल ट्रिगर एन इमीडिएट अलार्म टू माई नियरेस्ट PCR वैन विद अ फीड कि ये आदमी ये बाइक है, सो ही विल बी एप्रिहेंडेड। तो आई एम लुकिंग एट दैट फ्यूचर ऑफ AI which can prevent crime, which can be good for human race, which can judge the intellect of the child. अगर आज मैं AI use करूँ social media feeds के ऊपर, जो बड़ा दुख होता है जब मेरे छोटे छोटे बच्चे हार जाते हैं और लाइफ खत्म कर लेते हैं, कोटा से हम पे बहुत केसेस आते हैं, सुनते रहते हैं। तो अगर मैं AI टूल एक ऐसा जनरेट कर लूँ जो डेटा कलेक्ट करे, सिक्योर डेटा कलेक्ट करे हर बच्चे का, हर कोचिंग से, हर क्लास से, और उनके फीड्स को एनालाइज करे, जो मैं ह्यूमनली नहीं कर सकता, बट मेरा AI मुझे बता देगा कि भाई ये 65% नेगेटिव थ्रेट में जा रहा है बंदा, इसने 3 दिन से कैंटीन अटेंड नहीं करी, 2 दिन से अपना खाना नहीं खाया। अब मेरे यहाँ 2 लाख बच्चे हैं, अब अगर 2 ने खाना नहीं खाया मैं कहाँ से देख लूंगा, लेकिन अगर मुझे AI अलार्म दे देगा कि ये 2 बच्चे 3 दिन से नहीं आ रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, तो आई विल इमीडिएटली डू सम रिड्रेसल, माय टीम विल बी देयर टू प्रोटेक्ट हिम, हेल्पिंग एंड टॉक टू हिम। लेकिन हमें फिर 3 दिन बाद पता चलता है कि साहब वो पंखे से। तो आई थिंक देयर इज सो मच वी कैन डू इन AI। सो दीज आर दिस आइडियाज विच जस्ट केम आउट टू मी एंड आई सेड इट ऑन योर शो and I hope these youngsters who are picking it up and they will look out to these as a research project. This is not difficult. Yes, data is there now. We all know everything is online. चलिए एक last बात करता हूँ मैं उसमें। देखिए हमने अपने पिछले 10-12 साल से जो आप crime की दुनिया में हैं, बहुत सारे fraud देखे हैं, right? कोई एक ऐसा fraud जो कि बहुत tricky था और जिसमें आपको लगा कि यार ये बंदे ने दिमाग लगाया, इसमें तो रचित भी फंस सकते थे, ये आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है कभी या कोशिश की है जहां पे आप बहुत ही क्लोज थे कि अरे बस बच गए, बाल बाल फंसते रह गए? भाई गौरव भाई सीरियसली बताऊं, नहीं मेरे साथ तो बहुत हुए अटेम्प्ट्स, तो मेरे पास अटेम्प्ट्स तो बहुत होते हैं। 3 दिन में कॉल आ गया ऑटोमेटेड कॉल की साहब मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपके सारे सिम कार्ड बंद कर रहा हूँ, मैंने फोन काट दिया, लोन मैंने फोन काट दिया, FedEx से आपके 2 पैकेट आए मैंने फोन काट दिया, और एक बार एक बड़ी मैं अभी भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और काफ़ी इंगेज करता हूँ, मुझे एक बड़ी जेन्युइन सी मेल आई, इंस्टाग्राम का लोगो लगा हुआ कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है एंड हम आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, आप इस अपील बटन को दबाएं। सो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक थॉट में चला गया कि मैंने ऐसा क्या डाला है, मैंने किसी और का प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि एक बार मुझे याद है मैंने Red FM के साथ कुछ किया था, और नहीं Red FM नहीं, हाँ मिर्ची के साथ, रेडियो मिर्ची में मिर्ची साइमा बहुत बड़ी एंकर है, उनके साथ कुछ किया था और मैंने उनका वीडियो अपने पोस्ट पे डाल दिया था, तो वो TOI ने उसको डिलीट कर दिया था, कॉपीराइट स्ट्रक कर दिया। आई रियलाइज माय मिस्टेक बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देन आई शेयर्ड दैट, आई कैन शेयर दैट ऑन माय टाइमलाइन बट आई कैन पोस्ट दैट वीडियो। तो वो एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि यार मेरे को, फिर मैंने देखा एक मिनट रुको ये मेल कहाँ से आई है, तो देखा वो URL गड़बड़ था, फिर मैंने उस लिंक को उठाया और एक टूल है वायरस टोटल उस पर डाला, मैंने देखू उसमें भाई साहब 6 खतरे निकले, 3 फिशिंग के और 3 मैलवेयर के। तो वैसे तो ट्रिकी में तो ये कहूंगा कि ये MIM जो हो रहे हैं, मैंने जो बहुत सारे इंसिडेंट रिस्पॉन्स किए हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, मैन इन द मिडल अटैक वाले, ये बड़े स्मार्ट तरीके से करते हैं। पहले वो आपके मेल बॉक्स में घुस जाते हैं मैलवेयर के थ्रू, आउटलुक में बैठ जाते हैं, सारी मेल्स देखते रहते हैं, उन्होंने देखा अरक्षित जी की गौरव जी से इनवॉइसिंग पे बात हुई है, पेमेंट पे बात हुई है, फौरन मेरा वो डोमेन तैयार करते हैं, आपकी मेल कॉपी पेस्ट करते हैं, मेरी ID थी info@rakshittandon.com, उन्होंने बना दिया info@rakshittondon.com, एक ओ कर दिया, डिस्प्ले नेम सेम रखा। अच्छा हमारी आदत है आप भी मेल चेक करोगे तो लिखा होगा रक्षित टंडन, अब एड्रेस भी चेक करते हैं उसमें लिखा होगा कि सॉरी गौरव भाई मेरा बैंक अकाउंट GST ऑडिट की वजह से बंद हो गया है, तो कृपया मेरा जो ये 50-55 हजार का पेमेंट है ये मेरे इस नए खाते में डाल दो।
तो ऐसे कई अटैक्स हमने देखा जहां हैकर्स वर वेरी स्मार्ट, दे यूज्ड टू डू दिस MIM, और उन्होंने कई एक्सपोर्टर्स और कॉर्पोरेट्स में लोगों को नुकसान पहुंचाया, और वो ईमेल में घुस के बैठे होते थे और वो अंदर तक चले जाते थे। तो यस, जो APTs और एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स या वो रिमोट मैलवेयर्स यूज कर रहे हैं या रिमोट एक्सेस ले रहे हैं सिस्टम्स का। अभी एक बड़ा ट्रिकी केस आया था EOW का, जिसमें उन्होंने एक बैंक को बैकडोर से सारे ट्रांजेक्शन्स कर डाले, उनके सिस्टम ऑथेंटिकेशन को ही बाईपास कर दिया। तो ये टेक्निकल केसेस आते हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बहुत ट्रिकी। तो मैं देखिए, अब 30 साल हो गए इस फील्ड में और हम लोगों ने तो डॉस और यूनिक्स और सन सोलैरिस जैसे सिस्टम्स पे काम किया हुआ है, और हमने कोबोल में और पास्कल में और फोर्ट्रैन में कोडिंग सीखी हुई है, और आज 42 languages पे काम करते हैं। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो डार्क वेब यूज़ करे या टॉर यूज़ करे, अनियन राउटिंग करे, डिजिटल फुटप्रिंट से बच नहीं सकते आप। अब वो कहाँ कैसे निकालना है, ये आपकी स्मार्टनेस है। चलिए धन्यवाद। अभी वही मैं बताया कि नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल फुटप्रिंट कैसे निकालते हैं, फॉरेंसिक कैसे करते हैं, उस पर बात करेंगे। और आई थिंक दीपक जी आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत बहुत तो अच्छे। आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए, और अक्षय जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को बहुत ही मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि एक मुहिम ये है कि हमने बात करी, उससे किसी एक का भी भला हो गया, हमारा काम हो गया। इट विल ऑलवेज बी एंड, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द जीडी शो। थैंक यू फॉर कमिंग इन, एंड ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स।